हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का सीन कुछ ऐसा जो आप सभी के लिए बिल्कुल नया है। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में नई चीज़ों को जानेंगे समझेंगे, तो आप सभी वीडियो के साथ बने रहे क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए खास महत्वपूर्ण है। मैं उस शॉप पर आ गया जहाँ पे एक नई जानकारी मिलेगी जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और ये वीडियो का असर कमेंट करके बताइएगा, चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में देख रहे हैं कि मैं मुजफ्फरपुर के उस जगह पर आ गया हूं जहां पर आप घर में जो मछली वगैरह पालते हैं, यूकोरियम वगैरह, उसके फूड्स वगैरह कैसे देखभाल करते हैं और यहां किस किस तरह की जिंदा मछली जो पानी में तैरती हुई है दिख रहे हैं वीडियो में, वो कैसे आप खरीद सकते हैं और ये मुजफ्फरपुर में कहाँ पर शॉप है। तो मैं शॉप ओनर से बातचीत करता हूँ कि यहाँ पर आकर आप इससे रिलेटेड किस तरह की फैसिलिटी है। तो चलिए मैं उनसे बातचीत करता हूँ। आपका क्या नाम हुआ? सुरेश कुमार। सुरेश कुमार जी, आपकी यह शॉप का क्या नाम है? हॉबी सेंटर दुकान का नाम है। हॉबी सेंटर जो दीवान रोड में वो स्थित है, कल्याणी के पास। कल्याणी का दीवान। अच्छा, आपके यहाँ किस किस तरह की चीजें मिलती है यहाँ पे? ऑर्नामेंटल फिश मिलता है। ऑर्नामेंटल फिश मिलता है। अच्छा, ऑर्नामेंटल फिश क्या होता है? जो कलर फिश वो इंकोरियम में पाया जाता है, इंकोरियम में रख के उसको जो अपने शौक से जो पालते हैं घर में वही इंकोरियम फिश। अच्छा, उसको ऑर्नामेंटल फिश। तो आपके यहाँ कितने तरह के फिश वगैरह है? बहुत सारे वेराइटी है, जैसे गोल्ड फिश है, शुभम किंग है, रेड कैप हो गया, शार्क हो गया, इंजिन हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, ऐसे बहुत सारा वेराइटी है जिसमें आपको फ्लावर ऑन भी मिल जाएगा, ऑस्कर भी मिल जाएगा। अच्छा, आप मछली के फूड्स वगैरह भी रखते होंगे, खाना वगैरह? फूड्स है जो भी चाहिए, वो जो भी मछली का इस्तेमाल होता है वो सारा खाना मेरे यहाँ मिल जाएगा। अच्छा, कोई आदमी कस्टमर अगर इस वीडियो को देखकर जाएगा कि हमको भी अपने घर में मछली पालना चाहिए शौक से या ऐसे भी, तो उन्हें क्या क्या चीज़ लेना पड़ता है? उनको लेना पड़ता है पूरा सेट में जैसे इंकोरियम हो गया, उसमें पंप हो गया, फिल्टर हो गया, खाना हो गया, इस सारे सामान के साथ लेना पड़ेगा। अच्छा, ये मछली जो दिख रहा है, ये काली काली जो है, कौन सी मछली है? ये ब्लैक गोल्ड फिश है। ब्लैक गोल्ड फिश है ये। इसकी क्या, इस मछली की क्या खासियत है? ये ब्लैक है और खासियत है गोल्ड फिश का ही वैरायटी है ये। और ये, ये एंजिल इसको कहते हैं, एंजिल है, एंजिल मछली है ये। एंजिल मछली है। इससे बड़ी होती है? इतने बड़े रहते नहीं, बड़ी भी होती है। बड़ी भी होती है, थोड़ा टाइम लगता है। और ये बहुत छोटी छोटी सब है। हाँ, ये है सार्पिड टेट्रा ग्रुप का है ये, और सार्पिड टेट्रा है ये। इसमें कलर सब है अलग अलग वैरायटी। कौन सी मछली है ये? ये गोल्ड फिश हुआ, ये गोल्ड फिश हुआ, सोने की तरह है इसके। और ये बड़ी सी जो है ये ऑस्कर हो गया। ऑस्कर, ये चिकलिट सारा वैरायटी का हुआ मछली। और इसके नीचे जो है वो नीचे जो है किसी में जाति का है। और इसमें बहुत कलरफुल है ये। ये रेड कैप है, शुभम किंग इसमें मिक्स है, दोनों मिक्स है ये। इसमें किसी में हो गया आपको छोटा मौली वैरायटी है और एल्बिनो शार्क हुआ है। अच्छा, ये जो यूकोरियम जो है, ये किस किस तरह के, कितने तरह के यूकोरियम आता है? बहुत तरह का होता है, जितना जैसा ही बनवाना चाहिएगा। अच्छा, कोई फरमाइशी बना भी सकता है छोटा बड़ा? हाँ, आप बनवाते भी हैं? बनाते भी हैं। हाँ। और जो फरमाइशी चाहिए, जितना बड़ा चाहिए छोटा चाहिए उस तरह का। तो इसमें कितने प्राइस रेंज से स्टार्ट होगा नीचे से? लोग कम से कम वो 1000 रुपये से शुरू होता है, और जितना डिजाइन बढ़ेगा और साइज बढ़ेगा प्राइस बढ़ जाएगा। और इधर आप फूड्स वगैरह रखे हैं, किस तरह का फूड है थोड़ा बताइए? ये खाना हुआ सीपी का है और टायो का है खाना, और आपका ये हैम्पी हेड दाना हुआ जो बड़े मछली भी खिलाया जाता है। और नीचे स्टोन वगैरह है, ये सब स्टोन जो डब्बा में जो रखे हैं, ये सब दवा है, एंटी लिक्विड फूड है। फूड नहीं है ये, मेडिसिन है। अच्छा। आपको एंटी ईच हो गया और एंटी फंगल हो गया। अच्छा, पानी को क्लीन रखता है मछली को, जिससे डिस्टर्बेंस ना हो, कोई बीमारी वगैरह ना हो। और इसमें किस किस तरह के फिश वगैरह है? इसमें कार्प हो गया, मिल्की कार्प हो गया, शार्क हो गया, बड़ी शार्क भी है, सब तरह की मछली है इसमें। सब तरह की मछली। ये किस तरह के एक्वेरियम है? ये गोल जार होगा जो काउंटर पर रखा जाता है। अच्छा, और इसमें बहुत सारा साइज है,
आपको 8 इंची हो गया, 4 इंची हो गया, 6 इंची हो गया, 10 इंची हो गया, और ये अभी 10 इंची है ऊपर में रखा हुआ है, वो 12 इंची में है। अच्छा, जैसा ये दिख रहा है 12 इंची में, इसलिए भी पाला जाता है, लेकिन ये काउंटर पर ही रखने योग्य है। सुरेश जी बताइए, अगर किन्हीं के पास ये कोरियम हो, अगर मोटर, अगर खाली मोटर खराब हो गया हो तो वो आपके पास मिलेगा कि नहीं? सारा सामान वो स्पेयर मिल जाता है। अच्छा, तो सारा इसका सामान मिल जाता है सेटअप, जो कोई एक भी अगर डैमेज हो जाए कोई आदमी को तो आप ले सकते हैं, उसका स्पेयर अलग से मिल जाता है। अच्छा, इसमें फीस कितने कितने प्राइस में बेचते हैं? जैसे किसी को दो पीस एक पीस लेना हो तो दो पीस एक पीस 10 पीस बल्क में जो भी लेना चाहे वो मिल जाएगा मेरे यहाँ से। जैसे किस किस तरह का आता है? इसका एंजल फिश जो है, इसका प्राइस क्या होगा? इसका होगा वो 70-80 रुपये जोड़े का है। मैंने जिस ढंग से आप फीस लेते हैं, 12 या छोटा साइज, उस हिसाब से प्राइस बढ़ जाएगा। थोड़ा ये किस तरह की मछली है? ये फ्लावर हॉर्न हुआ, फ्लावर हॉर्न हो गया, इसके तो गुब्बारा जैसे लगा हुआ है। ये जितना बड़ा होगा उतना इसका हेड बढ़ता जाएगा। अच्छा, और हेड ही से ही खूबसूरती इसका देखा जाता है। अच्छा अच्छा, यहाँ हर तरह की मछली। ये कौन सी मछली है नीचे? ये शार्क है, वेराइटी का शार्क है ये, और इसमें कहते हैं टाइगर शार्क कहते हैं। और इसमें भी है एक नीचे, उसमें भी फ्लावर होना है लेकिन छोटा है, वो दूसरा कलरफुल में हुआ, खाना हुआ। अच्छा, 1 किलो में है, 1/2 किलो में है, 250 ग्राम में है, और 45 ग्राम में भी है। अच्छा, इसका कितना बड़ा डिब्बा कितना प्राइस होता होगा? बड़ा डब्बा का 200-300 रुपये पड़ता है। तो नहीं बेचते हैं, लेकिन कछुआ का बहुत सारा खाना रखते हैं, चूँकि यहाँ पर लोग रखे हुए हैं। अच्छा, उसका खाना हम अवेलेबल तो यहाँ ले आ सकता है। खाना से रिलेटेड उसकी दवा वगैरह भी रखते हैं? कछुआ खाना ही सफिशियंट, दवा तो चलता है, टेट्रासाइक्लिन ये सब जो है वो सब दवा इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ फूड्स के भोजन के अलावा इनके पास कछुआ का भी भोजन है, तो ये भी आप यहाँ आकर टोटल का भी फूड्स आप यहाँ परचेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि यहाँ ऑर्नामेंटल जो फिश है, आप घर में ऑफिस में पालने के लिए या और सारी समस्या बाधा से ग्रहों से बचने के लिए आप शौक से भी घर में पाल सकते हैं। ये आपको हर तरह से शुभ ही या इसे शुभ माना जाता है हिंदू धर्म में, तो आप और सारे धर्म के लोग रखते हैं ऑफिस घर में, तो आप भी यहाँ से अगर खरीद सकते हैं। इसकी क्या क्या प्रक्रिया वगैरह है, सारे जानकारी आपको जब इस शॉप में आएंगे तो आप यहाँ आकर उस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं कि किस तरह की चीज़ें चाहिए, कैसे इसको फूड्स देना है, कैसे केयर करना है, देखभाल करना है, तो आप इनसे आकर सुरेश जी से संपर्क करेंगे। दीवान रोड जो कलास मुजफ्फरपुर में है, जस्ट आगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कॉलेज है, जस्ट उसी रोड में है ये, यहाँ आकर आप संपर्क कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को खरीद सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।